माइसेल्फ मोहम्मद शमशीशेख। बहुत दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज ये सब रूटीन की वजह से बहुत बिजी हो गया था और एडिटिंग वगैरह करने को टाइम भी नहीं मिलता था, तो सोचा आज कुछ नया बनाता हूँ। और बहुत दिनों से सब पूछ रहे कि मेरा प्रोफेशन वगैरह क्या है, क्या कर रहा हूँ, तो जो मुझे नहीं जानते वो सबको पता चल जाए कि मैं कौन से प्रोफेशन में हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से कहीं ट्रैवल नहीं किया, इसलिए कोई ट्रैवल वीडियो भी नहीं बनाया और व्लॉग भी नहीं किया, तो सोचा आज कुछ नया बनाता हूँ। कैसे डेज वगैरह जा रहे, बिकॉज कंटिन्यू बहुत बिजी हो गए कोविड की ड्यूटी में, तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ व्लॉगिंग करने या एडिटिंग वगैरह करने। तो अभी चलो कोविड सेंटर पे आ गए, अंदर जाके लंच वगैरह करेंगे, पीपी किट पहनेंगे और अंदर जाएंगे। तो अभी लंच वगैरह सब हो गया, पीपी किट भी पहन लिया, अंदर जाते हैं। अंदर का मैं कुछ बता तो नहीं सकता, एक दो क्लिप रहेगी, बट पेशेंट्स वगैरह कुछ बता नहीं सकते, अंदर अलाउड नहीं है कैमरा लेके जाने। सो दिस इज माय फ्रेंड डॉक्टर ऋषिकेश भागे, हम दोनों साथ में ये वार्ड में रहते हैं। तो अभी ड्यूटी खत्म होगी थोड़ी देर में, एक्चुअली अभी ड्यूटी खत्म हो गई है, फिर से एक कॉल आया है नाइट के लिए, तो उधर जाना है। आज कंटिन्यू 18 आवर्स का वर्किंग हो जाएगा। आ गया अभी दूसरे हॉस्पिटल में, इधर फिर से आके पीपी किट वगैरह पहनना पड़ेगा। अब चेंज करता हूँ मैं अभी, ये ऑफिस है मेरा आज के लिए। अभी पीपी किट वगैरह पहन लिया मैं, ऊपर जाके आता हूँ, थोड़ा पेशेंट वगैरह स्टेबल है कि नहीं देख के आता हूँ, फिर डिनर वगैरह करता हूँ। एक्चुअली मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जितना आप लाइटली ले रहे हो कोरोना वायरस को, उतना है नहीं, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लो, सैनिटाइज वगैरह करो, बाहर जा रहे तो मास्क प्रॉपरली पहनो, बिकॉज यू डॉक्टर्स हैव सीन दैट मेनी पेशेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग एंड ऑल, उनको इतना ब्रेथलेसनेस होता है कि उनको कंटिन्यूस O2 वगैरह लगा के रखना पड़ता है। जो हॉस्पिटल्स वगैरह एंटर करके आए उनको इतनी प्रॉब्लम रहेगी ना, आप उनसे जाके पूछो कि कितना प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लो, आपके प्रिकॉशंस की वजह से आप और आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो चलो अभी मैं ऊपर जाके आया, पेशेंट्स वगैरह देख के आया, सब स्टेबल है, फिर मैं अभी डिनर करता हूँ, फिर ऊपर जाके सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ा, एक्चुअली एक पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई ना अभी जाके थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, फिर से एक राउंड अप वगैरह होगा पेशेंट का। एक्चुअली मैं ही नहीं, एवरी डॉक्टर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, और ये पीपी के लिए इतना सावधान ही रहता है, कंटिन्यूस 8-9 आवर पहनना, पूरा गीले हो जाते हैं हम इसके अंदर, तो प्लीज इतना लाइटली मत लो और अपना ध्यान दो, अपने फैमिली का ध्यान दो। तो चलो अभी सुबह के 7 बज रहे, ब्लॉग को इधर ही एंड करते, और जिस किसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अच्छा लगे तो, ठीक है मिलते हैं, और प्लीज लास्ट का वीडियो पूरा देखना, पेशेंट्स के रिव्यू है, अच्छा लगे तो शेयर करना, ठीक है, टेक केयर, तब तक बाय। पर और इतनी सेवा भाव, जिसको सेवा बोलते हैं, सेवा हो रही, प्राइवेट अस्पतालों में क्या सेवा नहीं होती, वहाँ बेवा चाहिए होती है, यहाँ बिना बेवा के इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं आप लोग, और बस सब लोग अच्छे, स्टाफ अच्छा, सारा डॉक्टर अच्छे, सब लोगों ने बहुत हेल्प की। आए तो उस टाइम दिक्कत थी, वो सारी दिक्कतें सब खत्म हो गई, सब ठीक हो गया,
बाकी तो हम बुजुर्ग हैं, आप लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। तो हमारा आशीर्वाद सब लोगों के साथ है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।